हाँ भाई, हो गई गुड मॉर्निंग। उठ जाओ यार। सर गुड मॉर्निंग, बहुत लेट उठते हो यार आप। है के रात वाली बात सीरियस ले गए भी है। बस जब कोई उठाए 12 बजे सोए थे हम, मारवाड़ी लोग इसी टाइम उठते हैं। कोई ग्राहक आता है सुबह उठते हैं, नहीं तो यही कोतड़ में पड़े रहते। सही है सही है। वो अच्छा था, वो मीठा थोड़ा था, इसलिए चाय थोड़ी फीकी लग रही है। भाई को बोल रहा हूँ फीकी लग रही है तो गुड़ ले लो ना। भाई बोल रहा है कि वो गुड़ था। कौन बोल रहा है? अरे क्या बात कर रहे, मेरे को चाय फीकी नहीं लग रही। नहीं लग रही आपने फिर बनाई है ना, इसलिए नहीं लग रही। अच्छी लग रही है। चलो आपको अच्छी लगनी चाहिए। बाकी हाँ जी, तो अपनी जैसलमेर में यहाँ पे की हुई थी मैंने कैंपिंग रात को। और ये देखो, ये है सुबह सुबह का नज़ारा। ये राजस्थान के जहाज ऊंट, और यहाँ पे थी मेरी कैंपिंग। और यहाँ पे देखो टूरिस्ट है, जो सुबह अभी 7 बजे का टाइम है, और 7 बजे ही जो जीप सफारी करने के लिए लोग आ रहे हैं। वो देखो सामने एक जीप जा रही है, वो देखो उधर, और इस साइड भी घूम रही है। सुबह सुबह लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो मतलब सनराइज देखने के लिए आते हैं मॉर्निंग में। देखो अभी हुआ नहीं है, अभी ठंड ज़्यादा है, अब देखो कब होएगा। लेकिन लोग सुबह जल्दी इधर ही आ जाते हैं। बाकी भाई बहुत व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, मॉर्निंग का ऐसे मैंने आपको दिखा दिया। बाकी कैंपिंग के लिए बहुत सही जगह है जी। अगर आप अपनी खुद की कैंपिंग करना चाहते हो, आपके पास खुद के टेंट हैं, तो आप कहीं भी डिजर्ट पे लगा के आप रह सकते हो, रुक सकते हो। ये टोटली सेफ है। और फरवरी मार्च तक ये सीज़न प्रॉपर बढ़िया चलता है, 4 से 5 महीने बढ़िया सीज़न चलता है ये। और अभी उठे हैं बस, एक बार ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वेट करते हैं कब सूरज ऊपर आएगा, थोड़ी धूप आ जाए, फिर ही बाहर निकलते हैं। और एक बार वैन के अंदर ही चलता हूँ दोबारा मैं। हाँ भाई, हो गई गुड मॉर्निंग। उठ जाओ यार। गुड मॉर्निंग, बहुत लेट उठते हो यार आप। है के रात वाली बात सीरियस ले गए भी है। बस जब कोई उठाए 12 बजे सोए थे हम, मारवाड़ी लोग इसी टाइम उठते हैं। कोई ग्राहक आता है सुबह उठते हैं, नहीं तो यही कोतड़ में पड़े रहते। सही है सही है भाई, सही है। ये देखो कितनी अच्छी मॉर्निंग हुई है भाई। ये बंदा टैलेंटेड है भाई। क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हैं। इधर हो रही है अपनी चाय रेडी, और चाय वगैरह पी के और कुछ खा के फिर अपन निकलेंगे। और मनोज भाई ने सुबह सुबह बॉनफायर लगा रखी है। ठंड बहुत है ना? ठंड है, हाँ अभी ठंड है, ठंडी हवा चल रही है भाई, पूरी ठंड यहाँ पे काफ़ी है। और ये खड़ी है अपनी जीप और साथ में कैंपर वैन, और वो बैठे है भाई कैमल भाई। इनको ठंड नहीं लगती, मतलब लगती नहीं होती नहीं ठंड? अच्छा क्या बात है। मनोज भाई बोल रहे हैं कि इनको ठंड समझ में ही नहीं आती, ये ठंडे नाम की चीज क्या होती है, आराम से रहते हैं खुले में, और गर्मी भी नहीं लगती इन्हें। क्या बात है, ना इनको गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, सही है भाई। चलो बस थोड़ी देर में कुछ खा पी के फिर मैं निकलता हूँ आगे के लिए। है भाई, भाई बोल रहे हैं चाय थोड़ी फीकी है। मेरी बात सुनो, बात नहीं सुन रहा मेरी, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? चाय फीकी है, क्या दे रहे हो उसके साथ जाए के साथ? अभी बोल तो रहे हो क्या, गुड़ खाने के लिए? नहीं नहीं, आपने अच्छा खाना खिलाया था ना, इतना था गुटड़िया। हाँ, अच्छा मैं सोचा मैं चाय पी के बोले थोड़ा गुड़ ले लो चाय के साथ। वो अच्छा था, वो मीठा थोड़ा था, इसलिए चाय थोड़ी फीकी लग रही है। मैं भाई को बोल रहा हूँ फीकी लग रही है तो गुड़ ले लो ना। भाई बोल रहा है कि वो गुड़ था। कौन बोल रहा? अरे क्या बात कर रहे, मेरे को चाय फीकी नहीं लग रही। नहीं लग रही आपने फिर बनाई है ना, इसलिए नहीं लग रही। अच्छी लग रही। चलो आपको अच्छी लगनी चाहिए, बाकी का कोई बात नहीं है। लोग बाहर हैं तो भाई सुबह सुबह है, वो जा रही है जीपें। चले लो, अभी आप जा रहे हैं बाइक पे एक राउंड मारने के लिए।
तुम चलाओगे मैं चलाऊंगा, चलो जाते तुम चलवाते मैं चला है, चलो एक्सपर्ट बंदे हो ये बहुत, पहले ही बैक गियर लगा के बाद में ऊपर चढ़े उसके। मैं तुम चलाते हो तेज बहुत मेरे, ये तो मुझे पहले ही पता है, मैं तुम्हारे आने से ना पहले ही बोल रहा था वो तो मुझे पता है आराम आपका। चलो भाई चलो जी, आप बताओ कैसे लगी आपको राइड? सबसे पूछते होते मैं भी सोचा मैं भी पूछ लूँ क्या बात है भाई, मजा आ गया सबकी।
भाई सलीम भाई बोल रहे हैं कि मैंने आपके साथ ही जाना है। अभी अभी तुम क्या बता रहे थे, नहाने का क्या बता रहे थे तुम? नहाने को यहाँ कैमल ग्रह आ जाते हैं, पर पाँच दिन सात दिन से स्नान होता है, यहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है। कुछ दिक्कत नहीं रहती, चंगा बड़ा। तू कितने बजे उठे हो बता अभी? आठ बजे। आठ बजे उठे ना, नहीं सकते उठ के। हम मारवाड़ी लोग हैं, रात में गप्पे लगाते लगाते बारह एक। इधर मुड़ना क्या, आगे से जाना है? आगे से मारवाड़ी लोग क्या, हम भी तो बारह एक बजे सोते हैं। हर बात पे बोल देते हैं मारवाड़ी लोग, हम मारवाड़ी साधन में आते नहीं है। आओ तो जल्दी सो गए थे, जल्दी बारह बजे हम क्या है ये। अरे मैं जाग रहा था, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, सोया नहीं था। एक महीना इस सीजन है अब, क्योंकि साथ में भाई भाई बन गप्पे लगा ले। आखिरी रात कौन सी होगी पता नहीं। तेरी आखिरी रात है, ये बंदा बहुत स्कीमी है। इसकी परेशानी नहीं हुई आप, क्योंकि सारे सिंपल लोग अकेले रह गए, इसलिए बोल रहा हूँ। आपको किसी तरह की दिक्कत? ये बंदे ने अभी रास्ता मैं पूछ रहा था सही जाने के लिए, इसलिए मुझे गलत रास्ते पे डलवाया। कहने ये नहीं है, ये फुल मजे ले रहा है। मजे नहीं, तेरे उठने लग रही है। अच्छा लग रही है। मैंने अपना खता आप डाल दिया वहाँ। तेरा वो कम्बल कहाँ पे? मैंने कम्बल आप निकालो, इस कमरे आपको ठंड लग रही है, तब मैंने सोचा यही डाल देता हूँ। कम्बल को वही छोड़ा है? कम्बल को आज वही छोड़ दिया, शाम तक मिस हुई कम्बल। शाम तक कम्बल मिस हुई। शाम तक कंबल मिस यू करेगा? ये भी है भाई, तो दिल में कंबल साथ में रहे। कल ऊट पे तुम ले गया था मुझे, तुम ही थे ना? नहीं था भाई, कंबल तो भी तेरे ऊपर ही था ना। ये बंदा कंबल नहीं छोड़ता, दोपहर में तो लेके घूम रहा था कंबल को। तू कंबल दिन भर मेरे साथ ही रहता है। ऊट की राइड करने के तीन चार बजे हुए थे, कंबल नहीं छोड़ा है इसने। कंबल के साथ तो पक्की जा रही है भाई इसकी, कंबल तीन साल हो गए पक्की जा रही है। वो ही कंबल है, धोया उसको नहीं धोया? निकल जाएगी पूरा गर्म हो जाएगा, मैल मूल डल के सारी। मेल इतनी ठंड अंदर नहीं आने देगी, ऊंटों की मैल। और तू सात दिन तो तू भी नहीं नहाता, रात में होगा कि नहीं? यहाँ से लौंगे वाला कितनी दूर है? लौंगे वाला है? लौंगे वाला, लौंगे वाला तनोट। तनोट कितनी दूर है यहाँ से? 120? नहीं 120 नहीं, 160। चला आ जाओ, कल आ जाऊंगा मैं वापस। वापस यहाँ तो और क्या, एक बार मैं दावत लेके जाना। सर आपकी दावत की है, ये यहाँ हूँ तो आपके पास ही। टेंशन ले रहे हो, कल आऊंगा लौंगे वाला से। वहाँ आप जो शेयर करके बाद में सब, अभी अपन जाए उतरेंगे वहाँ आकर, मैं आपको मेरे कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, वो कर देना कि मैं अभी सम आया हूँ। वहीं से फटाक से आ जाऊंगा, आधा घंटा में गाड़ी। मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। तुम्हारे पास आ जाना तो सबसे बेस्ट। रूटी पता चला गया तो मुझे हमारे दिल में सर आगे क्या, तुम बस गया। आप बहुत अच्छा है, कुछ मेरा दिल में तो मैं ऐसे ही बस जाता हूँ। कुछ कुछ लोग सर ऐसे आते हैं घमंड, उसमें बहुत होता है। आप सीधे लोग घमंड वगैरह, आप क्या बात है, तुम्हारा बड़ा पता है। अब थोड़ी गलती होगी, आप उस गलत रास्ते लेके गया। अरे कोई बात नहीं, ऐसे क्या बात कर रहे हैं। ये जो टैंकी बना रखी है जो सामने है, इसमें पानी स्टोर करके रखते हैं ये पानी? हाँ, इसमें केमल वगैरह पाते हैं वो ढाबी वाले आके। अच्छा, वहाँ से आके यहाँ केमल पा के जाते हैं दिन में। अच्छा, यहाँ से पानी पिला के जाते हैं उसको। और तुम लोग? हमारे वहाँ के थोड़े से नीचे। हाँ जी, तो अब मैं निकल चुका हूँ सैमडून से लौंगेवाल की तरफ। यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था, है ना, बॉर्डर एरिया भी है वहाँ पे, तो वो आप सारा कवर करने वाले हैं। इसकी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताता जाऊँगा जैसे जैसे मैं पहुँचूँगा। और ये सामने जो आ गई भारतमाला, अरे ये क्या आ गई, ये आ गई पेडे। ये इधर से आप जाएंगे तनोट वाली तरफ, तनोट। ये भारतमाला प्रोजेक्ट है जो लगा हुआ है, ये वो आ गया सामने। तो अभी मैं इस पे भारतमाला पे चढ़ूंगा, यहाँ से लेंगे अपन राइट। देखो भाई राजस्थान के नज़ारे कितने खुले ग्राउंड पड़े हैं ना। और भारतमाला का भी एक्सपीरियंस आप लेंगे अभी। हाईवे बहुत अच्छा है, सो अब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं तनोट में। नॉर्थ लौंगेवाल, लो जी ये आ गए आप भारतमाला पे। देखो आप खाली पड़ा है रोड, क्या बात है। कितनी मर्जी स्पीड पे चला लो,
मेरी तो स्पीड आपको गाड़ी की पता ही है, आपको तो ज़्यादा चलानी नहीं होती फास्ट, मैं तो बिल्कुल आराम से चलाता हूँ, मतलब 80-85 की स्पीड पे रखनी होती है मैंने तो, 80-90 ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो आप, वो आ गया लौंगेवाल, लौंगेवाल है यहाँ से 115 और तनोट है 155। सो ज़्यादा स्लो भी नहीं चलानी होगी मेरे को, थोड़ा तेज़ ही रखना होगा क्योंकि मैंने जाके और घूम के फिर वापस आना है। और ये देखो आप कितना अच्छा रोड व्यू है भाई, ओके रिपोर्ट है। आज सुबह ना निकलते हुए थोड़ी सी हवा लग गई तो छींके बहुत आ रही है, तबीयत हो गई है थोड़ी सी ख़राब। और लौंगेवाल यहाँ से भाई रह गया होगा 5-6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से लौंगेवाल, और भाई के पास रुके हैं और भाई ने दूर से गाड़ी में ही देख लिया, क्या बोल रहे हैं कि छींके क्यों मार रहे हो और टैबलेट वगैरह पूछ रहे हैं। भाई राजस्थान के लोग अच्छे होते हैं ना, बहुत बढ़िया। देखो मैं अभी गाड़ी में ही था, भाई ने पहले ही पूछ लिया अभी टैबलेट वगैरह दूँ, ऐसे करो आप टैबलेट भी दे दो और बढ़िया सी चाय बना के दो मुझे, चाय वगैरह पी के टैबलेट छींके वाली ही है मेरे जेब में है। ठीक है, खा के फिर मैं निकलता हूँ आगे, मिलते हैं।